मंसूर में हैं और जानते हैं सर बीजेपी में शनु सलगर साहब का काम कैसा है? बहुत बढ़िया है सर। उन्होंने आए जब से जो है जी, लोग तो उनको भगवान की तरह चाह रहे हैं, हर गरीब आदमी जी, और हर जगह पर अब तक कितने भी MLA गए ये उल्टू और चेत्र बीजेपी का इतना पहले से शुरू से गए जी जी। LK चौहान हो गए जी, उसके बाद जो है ना राजेंद्र वर्मा हो गए जी, अट्टू साहब हो गए जी, ये हमारा ही उल्टूर एरिया से तो होते उन्होंने हमेशा। सर ये क्या राज है शनु सलगर साहब पिछले 2 साल में सबके दिलों पे छा गए? ये जो लॉकडाउन चला जी, उसमें हर घर घर को गरीब को साया करे उन्होंने बहुत जी जी। साया करने के बाद जो है ना हर गांव को ऐसा कोई MLA आज तक नहीं पहुँचे 153 गाँव को जी, शनु जी पहुंचे सो है वहाँ पर। सर परसों जो हमारे MP आए थे यहाँ पे, सेंट्रल मिनिस्टर आए थे, वहाँ पे कुछ कहा सुनी होगी सर, क्या क्या रीज़न था वहाँ, आप भी थे क्या सर? हाँ बिल्कुल मैं भी था वहाँ पर जी जी। वहाँ पर जो है यानी हमारा ईश्वर सिंह ठाकुर जी महामंत्री है जी, उन्होंने शरणों को बुलाए जी, जब मिनिस्टर आए तो शरणों साहब को लेना पड़ता है MLA को, लोकल MLA को लेके जो है ना जी भारत माता का पूजा करने का था जी, उस जगह पे जो है ना उनको बुला रहे थे गुंडा रेड्डी हाथ से ऐसा ढकल के जो है ना जी पूरा ढकल के दिख रहे हैं आप वीडियो में भी देखे होंगे आप लोग सब जी जी। बिल्कुल हाथ से ढकल के उनको आगे जाने नहीं दिए। अच्छा जी। और वो उनका जो है ना खाली उनका ही जय मर रहे थे जी जी। MP साहब का जी, उन्होंने मोदी का जय मरो बोल के बोले जी, फिर उन्होंने भी आके जो है ना आगे भारत माता की जय बोले और मोदी का जय बोल के जो है ना ये करे सो है। उसमें शरणु सरगल साहब की कोई गलती नहीं? 1 रुपया गलती नहीं। और शरणु सरगल का जो है ना हमारा प्रधान कार्यदर्शी है सिद्धू बिरादर बोल के, उनको गुंडा रेड्डी के भाया मिल के मारे। अच्छा जी। खुबा का भाई जगदीश खंडे, इन्होंने जगदीश खुबा उनको ले जाके बाजू में ले जाके मारे जी, उनको यानी कि सर भी फूटा उनका। हाँ हाँ। दवाखाने में थे सर। आप भी BJP से? यस BJP में हूँ मैं भी जी। इससे पहले कोई पोजीशन या इलेक्शन? मैं तालुका पंचायत तालुका उपाध्यक्ष था फुलसुर के, बसों कल्याण के जी, बसों कल्याण के। अब नेक्स्ट जो टिकट होगा BS आपका BJP का है वो शनु सलगर साहब को ही मिलना चाहिए? 100% शनु सलगर साहब कुछ मिलता और मिलेगा, उन्हीं को मिलेंगे भी, जीतेंगे भी। यस 100%। राइट राइट। उसमें कोई भी कही नहीं है जी। अब हम तो खैर पक्ष के हैं BJP के जी। अब हर आदमी को पूछ सकते हैं, गोर गरीब को जी। खेत में पूछो, रोड पे पूछो, होटल में पूछो, कोई भी गरीब आदमी शरणु का नाम लेगा जी। कांग्रेस से टक्कर होने का इस बार बोल रहे कि जरा कांटे की टक्कर रहेगी? हाँ रहेगा, अगर विजय सिंह को मिले तो कांटे की टक्कर रहता, अगर विजय सिंह साहब को मिलेगा तो कांटे की टक्कर। राइट सर, थैंक यू सर।